अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे यूट्यूब पे 1K पूरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें आज यहाँ पे कितना प्यारा और क्लाउडी वेदर है। ये देखें, ज़रा भी सनलाइट नहीं और ये फुल क्लाउडी। ये मॉर्निंग के 10 बजे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो रही है, 5 बजे के करीब का टाइम है, 5:30। यूएई में भी अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है। बहुत एक्सट्रीम सर्दी तो नहीं होती जैसे पाकिस्तान में होती है, बट फिर भी मौसम काफ़ी ठंडा होता है। तो ये जनवरी के मंथ में रहेगी और फेब से फिर मौसम सही होने लग जाएगा। तो आज मौसम काफ़ी ठंडा है। ये जी, इब्राहिम के लिए मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की थी, ये उसका पार्सल रिसीव हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं ये ओपन आपके सामने करती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये कौन कौन से बुक्स हैं। ये देखें जी, ये प्ले रीड राइट वाइप, ये बुक्स, ये आई थिंक 8 बुक्स का सेट है और इसमें डिफरेंट बुक्स हैं। और उसके साथ ये 3 इरेजेबल मार्कर्स हैं। तो चलें बुक्स ओपन करते हैं, मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये जी, मैंने किताब मंजिल से ऑर्डर की थी। फर्स्ट बुक ये है, माय फर्स्ट बुक ऑफ ABC। ये देखें जी, ये है, इसके ऊपर बच्चे राइट कर सकते हैं और ये इरेजेबल मार्कर है तो इससे इरेज भी कर सकते हैं। तो एक ये इंग्लिश ABC की बुक है, ये स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। और उसके बाद ये हैं कैपिटल लेटर्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। और ये देखें जी, ये भी इसी तरह है सारी, राइट एंड वाइप। उसके बाद एक है ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो ये आई थिंक टोटल 8 बुक्स हैं और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये मैंने नेट पे देखा था तो ये मैंने ऑर्डर किया था। और जो हर बुक है ना उसमें आई थिंक 8 पेजेस हैं, ये 4, 5, 6, 7 पेजेस हैं हर बुक में। हाँ जी, इसमें भी 7 है, तो हर बुक के 7 पेजेस हैं। और उसके बाद है ये अलिफ वे जीम, ये एक उर्दू की बुक है। और फिर ये है माय फर्स्ट बुक ऑफ 1, 2, 3, ये एक मैथ्स की बुक है, ये भी इसी तरह राइट एंड वाइप है। और ये है माय फर्स्ट बुक ऑफ बॉडी पार्ट्स, इसमें ये देखें जी, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। और उसके बाद यहाँ पे राइट एंड वाइप है ये। और ये एक इसमें एक्टिविटी है, मैच द पिक्चर। और उसके बाद ये एक एक्टिविटी बुक है, इसमें जी ये मैथ्स गेम है, माइनस वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद शेप्स मैचिंग गेम है। उसके बाद ये है, अच्छा जी, ये आपने बताना है कि ये किसका नेम है, ये आपने लेटर्स लिखने हैं। और ये जी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है। उसके बाद ये है मैच ऑपोजिट, कंप्लीट द मैथमेटिकल इक्वेशंस। ये तो आई थिंक इब्राहिम के लिए भी थोड़ा बड़ा है। ये ठीक है, मैच द क्रिएचर्स विद देयर फूड, ये अच्छी बुक है। और ये है माय फर्स्ट बुक ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। और ये भी, ये देखें जी, राइट एंड वाइप है, इसमें डिफरेंट एनिमल्स हैं। ये देखें, बहुत अच्छी मुझे ये बुक्स लगी हैं, बच्चों की लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मटेरियल बनाया है। और ये भी 7 पेजेस हैं। तो जी ये 1 एनिमल्स एंड बर्ड्स, एक्टिविटी 2 बॉडी पार्ट्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 बुक्स का सेट है। और उसके साथ ये 3 मार्कर्स हैं। डक, इब्राहिम, डू यू लाइक दिस बुक? डक डक, राइट डी,
वाह इब्राहिम, गुड बॉय। ओके नाउ इरेज इट। वेयर इज इरेजर? इट्स हियर। वाह इट्स क्लीन क्लीन। राइट अगेन। Baby, it's here. It's here. Other side, other side. Other side, yes, this one. Wow, good job. MashaAllah, my. बच्चों के लिए ऐसी बुक्स ही ठीक रहती हैं जो कि इरेजिबल हों, तो इस लिहाज से ये बुक बहुत अच्छी है क्योंकि बच्चों का तो काम है लाइंस ड्रॉ करना, तो जब बच्चे लाइन ड्रॉ करें तो उसके बाद वो इजीली बुक से अगर रिमूव हो जाए तो बुक्स क्लीन रहती हैं। तो जी ये देखें, इब्राहिम ने भी रच के अपनी बुक्स पे लाइंस लगाई हैं बट उसे बाद में इरेज कर देता है, और क्योंकि अभी वो छोटा है उसे लिखना तो आता नहीं है, तो अभी वो यही करेगा, जहाँ उसका दिल चाहेगा वहाँ पर रैंडमली राइट करेगा। तो अभी भी उसे जो वर्ड या जो पिक्चर अच्छी लगती है उसको लाइन से सर्कल करता है, उस पर रैंडमली लाइन ड्रॉ करता है। 1000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में मैं इन सबको ट्रीट दे रही हूँ। सब क्या, छोटी सी तो हमारी फैमिली है, राहील को और भाई को। तो जी अभी हम चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में, और जी ये ट्रीट लेने वाले लोग आ गए हैं। आज अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ साथ हमारी आज ट्रीट है। तो जी हम बहुत खुश हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली शुक्र है अल्लाह का जल्दी हो गए हैं 1K सब्सक्राइबर। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। तो आज हमें ट्रीट मिल रही है, तो अभी हम जरा एंजॉय करेंगे जी। और जिस जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। आप सबकी सपोर्ट के बगैर ये सब पॉसिबल नहीं था, तो इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को वॉच करें। चलें जी, चलें चलते हैं, लेट्स गो। आज ग्रोसरी के लिए भी जाना था तो हमने ये डिसाइड किया कि पहले ग्रोसरी कर लेते हैं ताकि बाद में इजी होकर डिनर करेंगे। तो पहले हम मॉल आए थे, कुछ मुझे चीज़ें लेनी थी घर के लिए। देखिए मेरा कुकू मुक्कू कहाँ बैठा हुआ है। कुकू मुक्कू हम जब भी ये फ्रूट सेक्शन में आते हैं तो इब्राहिम कोई भी छोटा सा लेमन या छोटा सा ऑरेंज ले लेता है और उसके साथ वो देख खेलता रहता है, तो इजीली टाइम स्पेंड हो जाता है हमारा भी। इब्राहिम एग्स, ओ ये क्या कर रहे हो, देख रहे अंदर क्या है। ले लिए जी माय यूट्यूब फैमिली। अभी हम ये कल्चर स्क्वायर के सामने हैं और ये जो है कल्चर स्क्वायर राउंड अबाउट है शारजा का। जी व्यूअर्स हम रेस्टोरेंट आ गए हैं, तो चलें जी अंदर चलते हैं। यहाँ तो काफ़ी रश है, बाहर काफ़ी रश था तो हमने ये हम सेपरेट कैबिन में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे इससे बड़ा बहुत ठंड हुई थी कैबिन में, एसी की वजह से बहुत ठंड हुई हुई थी तो हम बाहर आके बैठ गए। हमने कहा ऐसा ना हो कि मौसम चेंज हो रहा है तो किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो हम बाहर ही बैठ कर डिनर करते हैं जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है। ये
ये इब्राहिम को इस बेबी चेयर पे बिठाया है, बट इब्राहिम कह रहा है कि बेबी चेयर नहीं। इब्राहिम यहाँ बैठना है? नहीं बैठना। ओके ये देखें जी, ये हमारा ऑर्डर आ गया। ये ग्रिल्ड चिकन है और साथ ये इसके ब्रोस्टेड चिकन है। ये आज मेरी तरफ से इन लोगों को गार्लिक लगा के दूं आपको, वन केक की ट्रीट है। नहीं ये देखें, जैसे जैसे मीटर की फास्ट फास्ट मीटर चल रहा है, वैसे वैसे मेरे बेटे के हाथ चल रहे हैं। ये वापसी पे हम पेट्रोल स्टेशन गए हैं और इब्राहिम मीटर को देख के बड़ा एक्साइटेड होता है, और जब वापस आ रहे होते हैं तो ये बड़ा रोता है और बहुत ज़िद करता है कि मैंने वापस नहीं जाना और यहीं पे ही रहना है। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। चलें जी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।